राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी जय हो राधा माधव कुंज विहारी प्रभुराजकाचार्य स्वामी ग्रेस ईसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथाश्रम भागवतम की जय।
निदाय गौधरी विमानंदे हरि हरि वो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। तो नरसिंह भगवान का अवतार हो चुका है। भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकश्यपु का वध किए, उसके बाद हिरण्यकश्यपु के अनुचर लोग जो नरसिंह भगवान पर आक्रमण किए उन लोगों को भगवान खदेड़ दिए। तदुपरांत वे आकर के और हिरण्यकश्यपु के सिंहासन पर बैठ गए। उस समय भगवान नरसिंह देव का जो स्वरूप था, जो चेहरा था, बड़ा ही भयावह लग रहा था। वे हिरण्यकश्यपु के शरीर से विभिन्न प्रकार की आंत निकाल करके, नाड़ियां निकाल करके अपने गले में लगा लिए थे, मानो एक माला के समान। और उनका जो पहले सुनहरा रंग का उनका बाल था, वह हिरण्यकश्यपु के खून से लथपथ होने के चलते तपे हुए तांबे के समान दिखाई पड़ रहा था। उनका आंख लाल लाल था। नरसिंह भगवान इतने गुस्सा में थे, वे गुस्सा में फुफकार रहे थे, मानो कोई भी उनके सामने आ जाए तो उसको वे खत्म कर सकते थे। विभिन्न लोकपालों ने, विभिन्न देवताओं ने भगवान नरसिंह देव को शांत करने का प्रयास किया। सब लोग विभिन्न प्रकार से प्रार्थना किए। अंततः भगवान के पार्षद लोग प्रार्थना किए तो भी नरसिंह भगवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब अंत में ब्रह्मा जी, भगवान शिव इत्यादि जाकर के भगवान से प्रार्थना किए, लेकिन उस समय भी भगवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ। भगवान नरसिंह देव गुस्सा किए थे एक बात को दिखाने के लिए, और वह बात यह था कि हमारे भक्तों पर यदि कोई किसी प्रकार से तकलीफ देने का प्रयास करे, उसको वो दिखलाना चाहते थे कि सब कोई खैर नहीं है, वैसे लोगों को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता हूं। तो प्रहलाद महाराज के प्रति प्रेम को दर्शा रहे थे नरसिंह भगवान अपने गुस्से के रूप में, ठीक वैसे ही जैसे बाप मां यदि कोई किसी के बच्चे पर प्रहार करता है तो बाप मां कहते हैं तुम्हें जो कहना है हमें करो, हमें कहो, हमसे झगड़ा करो, लेकिन हमारे बच्चे पर प्रहार मत करो, बच्चों कुछ मत बोलो। इसी बात को भगवान नरसिंह देव यहां पर दर्शाना चाहते थे। भगवान भक्तों के आराध्य हैं, भक्तों के वे शरण्य हैं, भक्त लोग उनके ही शरण में रहते हैं। भगवान जो प्रतिज्ञा किए हैं, जैसा कि भगवत गीता में वर्णन किया गया है कि भगवान गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 66 में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। भगवान यह बात यहां पर दर्शाए हिरण्यकश्यपु का वध कर करके और प्रह्लाद का रक्षा कर कर करके। ब्रह्मास्त्रवादी भी नहीं सामने आ सके उनके गुस्सा को शांत करने के लिए, तब वो लोग माता लक्ष्मी के पास गए। माता लक्ष्मी के पास गए। कोई कितना भी गुस्सा में हो लेकिन ये पत्नी सामने आ जाए और पत्नी शांत होने के लिए कहे तो प्राय लोग सुन लेते हैं। यहां पर लक्ष्मी ही आई लेकिन वह भी शांत नहीं कर पाई। साक्षात श्री प्रेषिता दैव दृष्टां तम महद्भुतम्। दैव दृष्टा, देवताओं ने भगवान को जब देखा कि भगवान अब शांत नहीं होने वाले हैं, तब वे लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी से प्रार्थना की है भगवान के सामने जाने के लिए। लेकिन यहां पर कहा गया अदृष्टवा, अदृष्टा अश्रुतः पूर्वा सा न उपाय संकिता। लक्ष्मी जी भगवान के गुस्से को देखी थी लेकिन ऐसा गुस्सा कभी नहीं दिखी थी और न तक कभी सुना था। तो लक्ष्मी जी भयभीत हो गई और वो भी भगवान के पास जाने में समक्ष नहीं थी। तब ब्रह्मा जी वहीं पर, प्रह्लाद जी खड़े थे, भगवान नरसिंह देव आसन पर बैठे हुए हैं, फुफकार रहे हैं, वहीं बगल में प्रह्लाद जी खड़े हैं, ब्रह्मा शिवादी देवतागण हैं, लक्ष्मी जी वहीं पर हैं। तब ब्रह्मा जी प्रह्लाद जी के पास जाकर के प्रह्लाद जी से कह रहे हैं, प्रह्लाद प्रेषया मासा ब्रह्मवस्थित अंत के तात प्रसमय उपे ही स्वपुत्रे कुपितम प्रभु। प्रह्लाद के नजदीक जाकर के उनसे अनुरोध किए, प्रेषयामा स प्रार्थना किए, अनुरोध किए ब्रह्मा जी कि तात हे पुत्र, तुम्हारे पिता से कुपित होकर के भगवान नृसिंह देव आज क्रोध में है, तुम जाओ और नृसिंह भगवान को शांत करो, नृसिंह भगवान को शांत करो। हालांकि प्रह्लाद महाराज छोटे बालक थे, ये सब लोग देवता लोग बहुत बड़े बड़े थे। लक्ष्मी जी भगवान की प्रिया हैं, वे भी आज भगवान के गुस्सा को शांत नहीं कर पाई। ब्रह्मा जी बहुत छोटे बालक हैं, लेकिन फिर भी जब ब्रह्मा जी ने उनसे अनुरोध किया, विनती किया, तो प्रह्लाद महाराज संस्कारी हैं, ऐसे भी भक्त लोग संस्कारी होते हैं। भक्तों में समस्त देवताओं के गुण अपने आप विद्यमान रहते हैं, संस्कारी होते हैं भक्त लोग, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे बात करना, ये सब भक्त लोग जानते हैं। अर्जुन भी भगवत गीता में कृष्ण से ऐसा ही कुछ प्रश्न किए, उन्होंने कहा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, हे केशव
जो स्थित प्रज्ञ हो गया है, जो साधु हो गया है, भक्त हो गया है, कहते हैं क्या भाषा, उसके बोलने की शैली क्या है। देखिए हम लोग देखे हैं कि कभी कभी कोई भक्त किसी व्यक्ति से झगड़ा करने लगता है या अभद्र व्यवहार करता है या कुछ अभद्र बात करता है तो लोग कहते रे महाराज आप साधु हो, आपको ऐसा बात नहीं करना चाहिए, तुरंत लोग बोल देते हैं। बाहर के लोग गाली गलौज करें, कुछ भी करें, कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन साधु कुछ कहता है तुरंत लोग टोक देते हैं। इसलिए अर्जुन ने कहा, पूछा भगवान से कि स्थित प्रज्ञ का भाषा, जो स्थित प्रज्ञ हैं, जो साधु महात्मा हैं, उन लोगों के बोलने की शैली क्या है, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो भक्त लोग इन सब बातों को जानते हैं। जैसे अष्टांग योग है, अष्टांग योग में प्रथम योग जो है वह है यम। यम का मतलब होता है अंग्रेजी में सोशल एडिकेट, समाज के नियम कानून। योगी समाज का नियम कानून जानते हैं, वैसे ही भक्त लोग जो भक्ति योगी हैं वे लोग भी समाज के नियम कानून को जानते हैं। और प्रथम नियम कानून है कि सबको सम्मान देना। भक्त लोग दूसरों का सम्मान देते हैं, दूसरों का अपमान नहीं करते हैं, केवल सम्मान देते हैं और अपने मान के पीछे नहीं पड़ते हैं। यह सीखना चाहिए, यदि हम सम्मान देंगे, यदि कोई भी समाज में सम्मान चाहता है तो उसे सम्मान देना सीखना पड़ेगा। यदि हम सम्मान देंगे तो अपने आप सम्मान मिलेगा। तो हमें सम्मान की कामना नहीं करनी चाहिए, केवल एक ही कामना करनी चाहिए, कैसे मैं सम्मान दे सकूं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात श्री कृष्ण हैं, उन्होंने भक्तों के विषय में बताया है कि भक्ति कोई कब कर सकता है। कहते हैं तृणादपि सुने चेन तरोरिव सही सुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। कहते अमानिना मान देय, अपने मान का इच्छा मत रखो, अपने मान का अपेक्षा मत रखो कि लोग मैं साधु हो गया तो लोग मुझको प्रणाम करेंगे, माला पहनाएंगे, सम्मान नहीं। लेकिन मान देना, हमेशा दूसरे को मान देना चाहिए। मान देने से मन प्रसन्न हो जाता है, ये बहुत बड़ा एक साइंस है। कोई कितना व्यक्ति गुस्सा में होगा, यदि उसको हम सम्मान दे देंगे तो थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाएगा। और कोई शांत व्यक्ति भी होगा, उसका अपमान कर देंगे तो बूम गुस्सा लग जाएगा। तो इसीलिए हमें सीखना चाहिए कि दूसरों को हम सम्मान दें। दूसरे को सम्मान देंगे तो कोई भी कार्य हम करा सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में से एक अनुयायी हैं सनातन गोस्वामी पाद। ये तीन भाई हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम। तीन में से दो भाई सनातन गोस्वामी जो थे वे प्रधानमंत्री थे और रूप गोस्वामी जो थे
वे फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। जब नवाब हुसैन देखे कि ये लोग तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हो रहे हैं, ये भक्त बन रहे हैं, और एक समय नवाब हुसैन को कहीं जाना था लड़ाई करने के लिए, तो सनातन ने कहा कि मेरा तबीयत खराब है, मैं लड़ाई करने नहीं जा सकता। तो डॉक्टर गया देखने के लिए, तो कोई तबीयत खराब नहीं थी, वो भागवत पढ़ रहे थे। नवाब हुसैन जब पता चला तो उसे गुस्सा आया और उसने सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दिया। जब रूप गोस्वामी सरकारी कार्य छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन करने के लिए चले गए, तो कुछ सोने का मुहर, गोल्ड क्वाइन सनातन गोस्वामी के पास रखवा दिए थे। सनातन गोस्वामी जो जेलर था, उस जेलर से बड़ा ही प्रेम से बात किए, कहे कि देखो भाई, मैं मक्का जाना चाहता हूं। तू तो बहुत बड़ा पीर है, तू तो बहुत बड़ा साधु है, तुम जानते हो कितना फायदा होता है कोई किसी को मक्का भेजता है। तो सनातन गोस्वामी बिल्कुल सही बात कह रहे थे, मक्का जाने का मतलब हिंदुओं के लिए वृंदावन, तो सनातन गोस्वामी वृंदावन जाना चाहते थे। लेकिन यदि कहते कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं तो गड़बड़ हो सकता था, तो उन्होंने कहा कि मैं मक्का जाना चाहता हूं, और तुम तो बहुत बड़े पीर हो, तुम बड़े दयालु हो, और कृपा करके तुम ये छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण होगा। और सनातन गोस्वामी उसको कुछ ब्राइबिंग भी कहे, तुम ले लो सोने का मोहर, हमें इसका कोई जरूरत नहीं है, मुझे जाने दो। तो इस प्रकार से मैं कह रहा था कि भक्तों में सोशल एडिकेट कितना अच्छा होता है, कुशल व्यवहारी भक्त लोग होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। तो सनातन गोस्वामी इस प्रकार से बात ऐसा किए प्रेम से कि उसका दिल पिघल गया और वह सनातन गोस्वामी को छोड़ दिया। तकलीफ है कि हम लोगों में मिथ्या अहंकार है और अहंकार बस हम समझते हैं बहुत बड़े हैं, और इसीलिए किसी को सम्मान नहीं देते हैं। यदि हम किसी को सम्मान देंगे तो सम्मान बिना मांगे मिलेगा। यहां पर ब्रह्मा जी आए और प्रहलाद जी से कह रहे हैं कि पुत्र, तुम्हारे पिता के चलते भगवान इतने कुपित हैं, तुम जाओ उनसे उनको शांत करो। प्रहलाद ये नहीं करे, रे आप लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, लक्ष्मी साक्षात हैं, आप लोग नहीं शांत कर पाए, मैं क्या शांत कर पाऊंगा। प्रहलाद जी वो बात नहीं बोले। तथेति सनकई राजन महाभागवतो अर्भक उपेत्य भूमिका कायेन नाम विदांजलि। तथेति तथा इति नारद जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, प्रहलाद महाराज बड़े छोटे थे, यहां अर्भक शब्द आया हुआ है, अर्भक छोटा, 5 साल के बालक, 6 साल के बालक थे, हालांकि उम्र में वे बिल्कुल छोटे थे लेकिन संस्कार में बहुत बड़े थे। इसलिए ज्यों ही प्रहलाद जी ने कहा कि तथा इति तुरंत मान गए। आजकल के जो बच्चे लोग हैं, देखिए ये है तरीका, मैं प्रायः कहा करता हूं कि पहले के बच्चे को कुछ कहने के लिए, करने के लिए कहा जाएगा कि बेटा तुम्हें यह करना है,
तो तुरंत स्वीकार कर लेगा। यदि उसे मालूम ना होगा तो पूछेगा हाउ टू डू, कैसे किया जाए। आजकल के बच्चे को कुछ करने के लिए कहिए तो बोलेगा व्हाई टू डू, क्यों करने का। पहले बच्चे कहते हैं हाउ टू डू और अभी कहते हैं व्हाई टू डू। प्रमाण चाहिए बच्चों को। पहले बच्चे प्रमाण नहीं मांगते थे, आज बच्चों को प्रमाण चाहिए। ये सब प्रमाणित करता है कि हमारी सभ्यता संस्कृति डे बाय डे खत्म होती जा रही है। आजकल के बच्चे लोग हैं, हम लोग छोटे थे कभी बड़ों के सामने आंख मिलाकर बात नहीं किए, हमेशा नीचे नीचे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये रहा संस्कार। आजकल के बच्चे लोग हैं बाप से या बड़ों से आंख मिलाकर बात करते हैं। उतना ही नहीं, आजकल के बच्चे, मेरा एक छोटा भाई है अमेरिका में रहता है, उसका छोटा बच्चा है 7 साल का होगा, मैं उसको बहलाने के लिए कुछ बोल दिया तो बोलता है बड़े पापा यू आर ए लायर, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे हो। तो आजकल के बच्चे बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते कि अपने बाप को या बड़े को ऐसा कुछ बोल सकते थे। ये है संस्कार। हम लोग जवाब देना नहीं जानते थे। आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, क्या वो बाप मां गलत करेंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे क्या? पहले यह हम नहीं सोचते थे। हम सोचते थे कि हमारे बाप मां हमारे शुभ चिंतक हैं और वो हमसे ज्यादा जानते हैं, उनका एक्सपीरियंस है। हम लोगों के पास केवल ज्ञान है, लेकिन बुजुर्गों के पास विज्ञान है। ज्ञानम विज्ञानम सहितम, परिपक्व है। तो प्रहलाद जी बड़े संस्कारी बालक थे, इसलिए कहते हैं तथेति। तुरंत स्वीकार किए, इसीलिए आप लोगों को कहा गया है महाभागवतो। प्रहलाद महाराज महाभागवत है। भागवत मतलब भगवान और भागवत मतलब, भागवत मतलब एक ग्रंथ जो कि भगवान से अभिन्न है। दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक कहलाता है ग्रंथ भागवत और एक कहलाता है पुरुष भागवत। तो एक ग्रंथ भागवत है, गीता भागवत जो है, एक ग्रंथ जो है वो एक भागवत है। और पुरुष भागवत जो इस ग्रंथ भागवत को जानता है, जो भगवान का सेवा करता है, वो पुरुष भागवत कहलाता है। तो यहां पर प्रहलाद जी को महाभागवत कहा गया है। सब भक्त लोग भागवत हैं, जो भागवत ग्रंथ को जानता है, जो भगवान का सेवा करता है, वो भक्त लोग भागवत हैं। युधिष्ठिर महाराज भागवत हैं, सुखदेव गोस्वामी भागवत हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज को यहां पर महाभागवत संबोधित कर रहे हैं नारद जी, उनके गुरु जी। कहते हैं तथेति सनकई राजन महाभागवतो अर्भक। हालांकि प्रहलाद अर्भक बिल्कुल छोटे बालक थे, लेकिन वे महाभागवत थे। तो भक्त बनने का कोई समय सीमा नहीं है। भगवान का शुद्ध भक्त कोई कभी बन सकता है। प्रहलाद महाराज बिल्कुल छोटे थे, इस प्रकार से ब्रह्मा जी के अनुरोध को स्वीकार कर करके प्रहलाद महाराज उपेत्य भूमिकाएन वहां से आगे आए, और भूमि मतलब पृथ्वी, कायेन मतलब शरीर, अपने पूरे शरीर को ननामह कृतधा अंजलि हाथ जोड़ करके
खड़ा हुए और बाद में साष्टांग प्रणाम किए। नरसिंह भगवान को वे साष्टांग प्रणाम किए। ये प्रणाम करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी कृतांजलि हाथ जोड़ करके। एक भक्त कहते हैं कि ये जो ये हाथ जोड़ना मतलब 10 उंगली हो गया ना, 5 उंगली ए और 5 उंगली ए, ये 10 उंगली से। आजकल का जो बंदूक है उसमें 2 नली है, ये 2 नली वाला बंदूक है, ये 10 नली वाला बंदूक है। किसी के सामने यदि हाँ जोड़कर प्रणाम करो तो तुरंत वो शांत हो जाता है, 10 नली का बंदूक देख करके शांत हो जाता है। तो हाँ जोड़ करके प्रणाम करना। आजकल लोग हाय हाय हेलो करते हैं, हाथ मिलाते हैं, हाथ जोड़ते नहीं हैं, हाथ मिलाते हैं। प्रहलाद जी यहां पर हाथ जोड़ करके भगवान नरसिंह देव को प्रणाम कर रहे हैं। स्वाभाविक है, देखिए यदि हम किसी को प्रणाम करेंगे, हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे, तो अनायास ही जो दूसरे तरफ का आदमी है वो भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करेगा, नहीं तो आशीर्वाद देगा, यही करेगा ना, अनायास हाथ उठ जाता है प्रणाम करने के लिए, वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। तो किसी बात को स्थापित करने का अच्छा तरीका है, जिससे भी मिले बिना भेदभाव का, वो बड़ा है कि छोटा है, कैसा है, हरे कृष्ण बोल देना चाहिए, प्रणाम कर लेना चाहिए। तो प्रहलाद जी इस साइंस को जानते थे, छोटे बालक होने के बावजूद भी तो हाँ जुड़कर प्रणाम किए और बाद में साष्टांग बलवंत किए। स्वपाद मूले पतितम तवकम विलोक देव कृपया परिप्लुत उत्थापत सीधार करामुजम कालाही वित्रात व्याकृता भयम्। अब भगवान नरसिंह देव पहले साष्टांग प्रणाम किए प्रहलाद जी, फिर प्रणाम कर करके खड़ा होकर के और हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, पहले साष्टांग प्रणाम किए फिर बाद में खड़ा होकर के, क्योंकि यहां पर कहा गया है उपेत्य भूमि कामेन भूमि कायेन, मतलब साष्टांग। फिर कहते हैं ननाम कृतांजलि, उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। देखिए यहां पर नरसिंह भगवान बैठे हुए हैं, यहां बगल में प्रहलाद जी हाथ जोड़ कर करके खड़े हैं, प्रणाम कर रहे हैं। अब इतना करने से देखिए प्रहलाद जी को क्या मिल रहा है। जो नरसिंह भगवान इतने गुस्सा में थे कि सब लोग डर रहे थे, यहां तक लक्ष्मी जी भी डर गई थी, और भगवान का गुस्सा तुरंत छु मंत्र में बुम गायब हो गया। कहते स्वपाद मूले पतितम तमर्गकम, भगवान देखे कि उनके चरणों में एक छोटा बालक प्रणाम कर रहा है, विलोक्य देव भगवान ने देख। और जब नरसिंह भगवान आज प्रहलाद जी खड़ा होकर के हाथ जोड़कर खड़े थे तो भगवान ने क्या किया, कहते कृपया परिप्लुत भाव विहोर हो गए, परिप्लुत कृपया अपने अहेतु की कृपा, जैसे गाय के स्तन में दूध होता है लेकिन जब तक से गाय का बछड़ा गाय के स्तन को स्पर्श नहीं करता है वो दूध नहीं गिराती। आजकल किसान लोग बड़े चलाक भी हो गए हैं, आजकल नहीं पहले लोग, यदि बछड़ा मर भी जाता था तो चमड़ा निकाल करके उसमें घास पत्ता डाल करके एक बछड़ा बनाते थे, हैं, ताकि लगता था कि गाय का बछड़ा है, और गाय के स्तन के पास ले आते थे। बछड़ा होना जरूरी है गाय से दूध लेने के लिए, जबरदस्ती आजकल तो ले लेते हैं, दूसरा बात है, लेकिन
स्वाभाविक रूप से गाय तब दूध देती है जब बछड़ा होता है। भगवान भी भगवत गीता का ज्ञान दिए अर्जुन को। शंकराचार्य गीता के प्रारंभ में गीता का महिमा गाते हुए कहते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। जितने वेद पुराण हैं वो गाय के समान है। दुग्धा गोपाल नंदना, और कृष्ण जो हैं वो गाय को दुहने वाले हैं। बस पार्थ, उन्होंने अर्जुन को बस बनाया, बछड़ा बनाया, और गीता रूपी दूध हम लोगों को दिया, अर्जुन को बछड़ा बना करके। तो बछड़ा होना बहुत जरूरी है। ये बछड़ा होगा तो दूध आएगा। यहां पर प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के बछड़ा बने हैं। जब नरसिंह भगवान देखे कि भूमि पर शशांक दनोत प्रणाम कर रहा है, मुझे प्रणाम कर रहा है, विलोक्य देव, भगवान नरसिंह देव देखे तो कृपया परिप्लुत प्रवृत्त हो गए अपने कृपा से। उनकी अहेतु की कृपा उछलने लगी। भगवान नरसिंह देव हाल हो गए और कैसे अपना कृपा बरसा रहे हैं भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज पर, यह यहां पर देखने को मिलता है। क्या कहते हैं, उत्थाप उत्थाप तरसिष्ण अदधात करम बीजम, अपना हाथ उठा करके और प्रहलाद महाराज के सिर पर नरसिंह भगवान अपना हाथ रखे। कितना सौभाग्य है प्रहलाद महाराज का कि भगवान अपना श्री हस्त कमल प्रहलाद महाराज के सिर पर रखे। और जेव ही वे स्पर्श किए प्रहलाद महाराज के सिर को, मानो अभय दान दिए प्रहलाद महाराज को। कितना सौभाग्य है प्रहलाद महाराज कि भगवान का हाथ प्रहलाद महाराज के सिर पर आया। और जो ही स्पर्श हुआ भगवान का हाथ, नरसिंह भगवान का हाथ प्रहलाद जी से, तो वे गदगद हो गए। और जो भी थोड़ा बहुत भौतिक कलमश था, जो भी थोड़ा बहुत इच्छा था, वो सब के सब धूल गया। अब कोई कलमश नहीं रह गया नरसिंह प्रहलाद जी में। प्रहलाद जी बिल्कुल शुद्ध हो गए, वे दिव्य पद को प्राप्त कर लिए। और आनंद के सब लक्षण प्रहलाद जी के शरीर में आने लगे भगवान के स्पर्श मात्र से। देखिए, स्पर्श एक वस्तु है। यदि कोई कामी पुरुष है और कोई स्त्री स्पर्श कर दे, देखिए उसमें क्या भाव आता है। कोई दुश्मन है और किसी को थोड़ा छू दे तो करंट लग जाएगा, है तो हमको छू दिया, गाली गलौज झगड़ा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे रिलेशनशिप पर। स्पर्श की बड़ी महिमा है। यहां पर भगवान नरसिंह देव प्रहलाद जी को स्पर्श किए। प्रहलाद जी को प्रेम था नरसिंह देव के चरणों में, और नरसिंह देव का तो प्रेम है ही। तो वे आनंद के चलते उनका शरीर पुलकित हो गया। रोमांच कंपा सुतरंग भांजो, उनके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए प्रहलाद महाराज के। कंपन शरीर में, शरीर कांपने लगा। रोमांच कंपा, अश्रु आंखों से अश्रु धारा बहने लगे।
रोमांचकम पासु तरंग भांजो। इस प्रकार से वे गदगद हो गए और भगवान के कमल चरणों में वे भगवान कमल चरणों को देखते हुए कमल चरणों को बंदी बना लिए, अपने दिल में रख लिए भगवान के चरण कमल को। और तब पूर्णतया शुद्ध होकर के प्रेम से प्रेम पूर्वक वे भगवान नरसिंह देव का प्रार्थना करने लगे। ठीक वैसे ही भागवत महापुराण के चौथे स्कंद में वर्णन है कि ध्रुव महाराज जो बहुत कठिन तपस्या किए थे, वे इस प्रकार से तपस्या किए थे कि पहले महीने प्रत्येक तीन दिन पर वे फल खाते थे, दूसरे महीने प्रत्येक छह दिन पर जल पीते थे, तीसरे महीने प्रत्येक बारह दिन पर वे हवा लेते थे और चौथे महीने वे हवा लेना ही बंद कर दिए थे और पांचवें महीने में वे भगवान का दर्शन अपने हृदय में कर पा रहे थे। और चूंकि वे श्वास नहीं ले रहे थे ध्रुव महाराज, इसलिए पूरे विश्व ब्रह्मांड का श्वास रुक गया था। सब देवताओं को जाना पड़ा भगवान से प्रार्थना करने के लिए। और जब भगवान आए, प्रकट हुए ध्रुव के सामने, तो जिस भगवान का दर्शन ध्रुव महाराज अंदर कर रहे थे, वही भगवान बाहर प्रकट हो गए थे। तो एक सेकेंड जो ही भगवान प्रकट हुए, तो अंदर जिस भगवान का दर्शन कर रहे थे वहां से बाहर निकल आए, वहां से बाहर निकल आए। तब ध्रुव महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु कहां गए, और वे आंख खोले तो उनके सामने भगवान है। वहां पर ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन कर कर करके, भगवान को प्रणाम कर कर करके, भगवान के सौंदर्य को देख करके भाव विभोर हो गए। वे कुछ कहना चाहते थे, भगवान का गुणानुवाद करना चाहते थे, लेकिन कहने में समर्थ नहीं थे, इतने भाव विभोर थे। तो भगवान ने उनके कपोल को, उनके गाल को अपने संग से स्पर्श किया, और जिन ही ध्रुव महाराज का गाल भगवान के हस्त कमलों से संग से स्पर्श हुआ, उनमें समस्त वैदिक शास्त्रों का ज्ञान आ गया और इस प्रकार से वे प्रार्थना किए। ठीक वैसे ही प्रहलाद जी जब भगवान का स्पर्श हुआ, भगवान के हस्त कमल का स्पर्श हुआ, तो वे अवरुद्ध वाणी से प्रेम पूर्वक भगवान का प्रार्थना करने लगे। कैसे प्रार्थना करते हैं? श्री प्रहलाद उवाच ब्रह्मा दज सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वम एकातगतया वचसाम प्रवाहे नरादितुं पुरगुणै अधुना पिपिप्रो किन्तोस्तु अर्हति मे हरि उग्र जाते। कहते हरि उग्र जाते, कितना सुंदर बात कहते हैं, उग्र जाते। हे प्रभु, कहां मैं असुर कुल में जन्म लिया, उग्र जाते, यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं अपने प्रार्थनाओं से आपको प्रसन्न कर सकूं? अरे आपको तो प्रार्थना करते हैं ब्रह्मादय सुरगणा, ब्रह्मा आदि देवतागण, मुनयो अथ सिद्धा, बड़े बड़े मुनिगण नारद आदि उत्तम वाणी से वे लोग प्रार्थना करते हैं। मैं तो तमोगुणी हूं, मैं तो असुर कुल में जन्म लिया हूं, मैं बिल्कुल
योग्य नहीं हूं आपको प्रसन्न करने के लिए, लेकिन फिर भी आप आए। हे भगवान, आप किसी के धन से, किसी के सौंदर्य से, किसी के शिक्षा से, किसी के तपस्या से, दक्षता से, इन सब वस्तुओं से आप प्रसन्न नहीं होते हैं। आप प्रसन्न होते हैं किसी के सरलता और भक्ति से। भक्तया तुतोष भगवान गयदूथपाय, भक्तया मतलब भक्ति से, केवल भक्ति से। तुतोष मतलब संतुष्ट हो जाते हैं आप। उदाहरण देते हैं, जैसे गजदूतपाय, गज गजदूत मतलब हाथियों के राजा गजेंद्र। गजेंद्र कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नहीं गए थे, कोई राज परिवार में जन्म नहीं हुआ था, कोई धनवान भी नहीं थे। वे बहुत प्रयास किए। गज और ग्राह की जब लड़ाई हो रही थी तो गजेंद्र और उनका परिवार बहुत प्रयास किया उनको सहयोग करने के लिए। जब कुछ नहीं हुआ तो कमल का फूल एक निकाल करके और भगवान को अर्पण कर करके भगवान से प्रार्थना किए। इस प्रकार से गजेंद्र भगवान को प्रसन्न किए थे भक्ति से। भगवान को भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। भक्तया तुतोषः, आप भक्ति से संतुष्ट होते हैं और कोई साधन नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत से यहां पर प्रार्थनाएं हैं। ये बहुत बड़ा अध्याय है, करीब 55 श्लोक हैं इस अध्याय में। तो इस प्रकार से वे प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तो इस अधम कुल में जन्म लिया, लेकिन आप मुझ पर कृपा किए। बड़े बड़े देवता गण भी आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज आप हमारे समक्ष खड़े हैं। और तो और, अपने सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है कि आपने अपने हस्त कमल को मेरे सिर पर रखा। यह सौभाग्य ब्रह्मा जी को नहीं मिला है, यह सौभाग्य भगवान शिव को भी नहीं मिला है, यहां तक कि लक्ष्मी जी को भी यह सौभाग्य नहीं मिला है। भगवान अपना हाथ ब्रह्मा जी के सिर पर अब तक नहीं रखे हैं। भगवान अपना हाथ शिव जी के सिर पर नहीं रखे हैं। लक्ष्मी जी भले ही भगवान के बक्षस्तर पर निवास करती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के सिर पर भगवान का हाथ नहीं गया है। भगवान अपना बरहस्त वरदान देने वाला हाथ प्रहलाद जी के सिर पर रखे। तो प्रहलाद जी अपना सौभाग्य समझ रहे हैं, कहते हैं मेरा ये सौभाग्य है कि आपने अपना श्रीहस्त कमल हमारे सिर पर रखा। क्वाहम रजा प्रहवैस तमोधिके अधिकेस्मिन् जात सुरेत कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु हवास्य न वैरमाया यन्मेर्पित शिरसि पद्मकर प्रसाद। कहते क्वा हम, कहां मैं रजा प्रभाव, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में फंसा हुआ असुर कुल में जन्मा, नास्तिक परिवार में जन्मा, कौतव अनुकंपा और कहां आपकी अनुकंपा, आपकी कृपा, ऐसा कृपा न ब्राह्मणों आपने ब्रह्मा को नहीं दिया, न तुभवस्य न भगवान शिव को दिया, न वही रमया
और न तो माता लक्ष्मी को दिया। यन्मे अर्पितः शिरसि पद्म कर प्रसाद, आप कृपा करके अपना हस्त कमल हमारे सिर पर रखे, ये हमारा बड़ा ही सौभाग्य है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने से हे भगवान कोई आपको नहीं जान सकता है जब तक से आपका कृपा न हो। यानी कह रहे हैं कि मेरे सिर पर जो आपने हाथ रखा है इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ये आपकी अहेतुकी कृपा है जो कि आप अपने अहेतुकी कृपा के चलते हमारे सिर पर अपना हाथ रखे हैं। अपने एंडेवर से हम लोग भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भगवान दिव्य है, हमारा शरीर भौतिक है, जब तक से भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक से हम भगवान का भजन भी नहीं कर सकते हैं। भगवान का कृपा होना चाहिए, हम लोगों का एफर्ट हो और भगवान का कृपा हो तब भजन हो सकता है। कितने लोग कहते हैं हां भगवान का कृपा तो भजन करूंगा, नहीं, हम पहले एफर्ट करें। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं अत श्री कृष्ण नामादि न भवे गायम इंद्रिय सेवन मुखे जीवादौ स्वयमेव स्फुरत्यदा। अतः श्री कृष्णामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, भगवान कृष्ण का नाम, भगवान का सौंदर्य, नाम आदि जो भी भगवान संबंधित है न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, हम अपने इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं तब कैसे समझेंगे। कहते हैं सेवन मुखे ही जिह्वादौ, जब भगवान काम सेवा करना प्रारंभ कर देंगे, सेवा उन्मुख भगवान का सेवा, भगवान से संबंध स्थापित करने का एक ही स्रोत है और वह है भगवान का सेवा। सेवा करेंगे भगवान का तो हम हमारा संबंध भगवान से हो सकता है। मैं कई एक बार उदाहरण दिया हूं कि अभी गर्मी का दिन आ रहा है, आप लोग देखेंगे जो हैंड पंप होता है ना चंपाकल, कभी कभी वो पानी छोड़ देता है, देखें आप लोग कितने लोग हाथ उठाओ तो देखें, अच्छा चलो चंपाकल तो कम देखें है ना, चलो वो चंपाकल कभी कभी पानी छोड़ देता है। अब बताओ कैसे फिर पानी आता है, बताओ कोई बताओ, माताजी लोग बताओ क्या करते हैं, हाँ पानी डाल देते हैं ना, देखो माताजी भी जानती हैं आप भी जानते हो, तो चंपाकल में पानी डाल दो तो फिर चलने लगता है, पानी आने लगता है, वो संबंध स्थापित करना। तो हम लोगों का भगवान से संबंध है लेकिन आज वो संबंध विच्छेद हो गया है, आज उस संबंध को हम इस देह में बांध दिए हैं। जो प्यार भगवान के लिए होना चाहिए, जो प्यार राम के लिए होना चाहिए, वो प्यार काम से हो गया है। तो उस प्यार को स्थापित करने के लिए जैसे हैंडपंप से पानी लाने के लिए पानी डालना पड़ता है, वैसे ही भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। इस संसार में हम किसी व्यक्ति से संबंध स्थापित करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ सेवा कर कर करके। पहले जमाने में लड़का लड़की की शादी बचपन में हो जाती थी, लड़की अपने पति को देखी भी नहीं, चेहरा भी नहीं देखी, जानती भी नहीं है, बाप माने करा दिया करा दिया। अब वो लड़की जब ससुराल आती थी तो अपने पति का सेवा करना शुरू करती थी,
और सेवा करते 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 एक दिन आता था कि वो पति के विरह में जी नहीं सकती थी। वो कैसे, वो प्रेम कैसे उजागर हुआ? पति का सेवा करने से। आज भी है, बाप मां बच्चों का सेवा करते हैं तो बच्चों में बाप मां के प्रति स्नेह उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। जो बाप मां जितना मात्रा में अपने बच्चों का सेवा संस्कार देंगे, वह बच्चा उतना ही मात्रा में बाप मां से जुड़ा रहेगा। यदि हम बच्चों को बाई के पास छोड़ें तो बाई तुम देखभाल करो, बच्चा बेचारा भूखा है, मां के पास रोने के लिए मुरते हुए आ रहा है और मां भाई कहते भाई इसको दूध पिलाओ। बच्चा बेचारा पैखाना कर लिया है, पेशाब कर लिया है और मां के पास आ रहा है रोते हुए और मां कहते रहो भाई कहते भाई तुम इसको ले जाओ। जब वही बच्चा बड़ा होता है तो बाप मां कहते हैं हमारा बच्चा हमको प्यारे नहीं करता है। अरे कैसे प्यार करेगा जब वो छोटा था? जब उसे प्यार चाहिए तुम्हारा, तूने तो प्यार नहीं दिया, भाई ने प्यार दिया, तुम कहां प्यार दिया? तो आजकल के बच्चे भी बाप मां के साथ में फॉर्मालिटी निभाते हैं, बस इतना ही करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, वो फॉर्मालिटी निभाते हैं कि हाँ ये हमारे बाप मां है इसलिए। लेकिन पहले की ऐसी बात नहीं थी। मैं कह रहा हूं सेवा, जो जितना मात्रा में सेवा करेगा उतना मात्रा में उस वस्तु से, व्यक्ति से नजदीकी उसकी बन जाएगी। जितना मात्रा में, कई एक प्रकार का सेवा होता है। अरे हम ट्रेन में जाते हैं, एक आदमी मिल गया और उसे बात करने लगे तो यह हुआ बात का सेवा। बात करने लगे, बात करते करते दोस्ती बन जाती है। कभी कभी अपने जात भाई वाले हैं तो रिश्ता में बदल जाता है, बात होता कि नहीं? लेकिन आजकल तो प्लेन में, ट्रेन में बगल वाला बैठा है, बातें नहीं कर रहे, चुप जरा मोबाइल पर देखें क्या कुछ हो रहा है, बात नहीं करेंगे लोग, पता नहीं क्यों बात नहीं करना चाहते हैं। तो अतः श्री कृष्णामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिया सेवन मुखे जिह्वा दौ, सेवन उन्मुखे जिह्वा दौ। जब सेवा करना शुरू करेंगे तब भगवान स्वयमेव अस्पृत्यदा, तब भगवान अपने आप कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। प्रहलाद जी इसी प्रकार से भगवान का बहुत गुणगान करते हैं और अंत कहते हैं यही ब्रह्मा जी हैं। हमने सुना है, हाँ नारद जी का गुणगान किए कि मैं तो बिल्कुल अधम परिवार में जन्मा, रजोगुणी और तमोगुणी परिवार में, लेकिन अपने गुरुदेव नारद जी के कृपा से ये भक्ति प्राप्त कर पाया। नारद जी के कृपा से भक्ति प्राप्त किया, जो नारद जी ने कहा था उसके अनुसार किया और उनके कृपा से आपका दर्शन हो पाया। गुरु के कृपा से, गुरु गोविंद दोऊ करो काको लागी पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताओ। गुरु का काम है गोविंद को बतलाना। आजकल बहुत से ऐसे गुरु हैं गोविंद को लॉक कर देंगे, ताला बंद कर देंगे, गोविंद के विषय में नहीं बताएंगे, केवल अपने विषय में बताएंगे। नहीं तो क्या होगा, गोविंद के विषय में बता देंगे तो हमारा वो सेवा करना छोड़ देगा, गोविंद का सेवा करेगा। गुरु का धर्म है गोविंद के विषय में बताना। गुरु को भाया मीडिया का इधर एक ग्लास है, चश्मा है, चश्मा जो है भाया मीडिया है पढ़ने के लिए, देखने के लिए। तो जो गुरु होता है वो भाया मीडिया होता है भगवान को देखने का। गुरु के कृपा से हम भगवान को देख सकते हैं। कितने ऐसे गुरु लोग हैं जो अपने को भगवान मानते हैं और हम लोग भी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सब हो गए गुरु जी। गुरु जी ब्रह्मा है तो कहोगे तो एक आध मच्छर क्रिएट कर दो आप भी,
गुरु जी विष्णु हैं। गुरु एक ही काम करता है और वह काम है भगवान से शिष्य को मिलाना या रास्ता बतलाना, भगवान से मिलने का रास्ता बतलाना। मिलाता नहीं है, रास्ता बतलाता है। चलना हमको है, चलना हमको है। कैसे? हमें गुरु के शरण में रह करके कर चलना है, शरणागत होकर के 100% गुरु के शरण में रह करके कर। अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नः, मैं आपका शरणागत शिष्य हूं। शरणागत होकर के, शरणागत होने का मतलब है अपना हाथ उनके हाथ में दे करके। हमारे गुरु जी कहते हैं कि आजकल लोग गुरु बनाते हैं, गुरु मत बनाओ, शिष्य बनो। गुरु बनाने में और शिष्य बनने में अंतर होता है। गुरु बनाने और शिष्य बनने में अंतर वैसे ही होता है जैसे बाप और बेटे नदी को पार कर रहे हैं और लकड़ी का पुल बना हुआ है। या बेटा बाप का हाथ पकड़े या बाप बेटे का हाथ पकड़े, पुल पार करना है ना, पतला पुल है तो बेटा गिरने ना पावे तो क्या करे? या तो बाप का हाथ पकड़े या बाप बेटे का हाथ पकड़े। अब आप लोग बताओ ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है? बेटा बाप का हाथ पकड़े वह श्रेष्ठ है कि बाप बेटे का हाथ पकड़े वह श्रेष्ठ है? बताइए क्या होना चाहिए? आए बाप बेटे का हाथ पकड़े। माताजी लोग सही बात कह रहे हैं, बेटा बाप का हाथ पकड़े। चलिए अब वोटिंग होगा है? तो कितने लोग कह रहे हैं कि बेटा बाप का हाथ पकड़े? तो हाथ उठाओ, तो बेटा बाप का हाथ पकड़े। प्रश्न सुन लो, बेटा बाप का हाथ पकड़े बोले तो हाथ हाथ उठाओ। काउंटिंग करना, वोट काउंट करना है ना अभी। अच्छा, और कितने लोग कह रहे हैं कि बाप बेटा का हाथ पकड़े? और कितने लोग वोट नहीं देना चाहते हैं? वो हाथ उठाओ। चलिए अब ये दो हमारे पास केस स्टडी है। ए भाई कैमरा वाला, अभी हमको करने तो जाओ उधर। अब चलिए दोनों में देखा जाए। ये ठीक वैसे ही है जैसे गुरु बनाओ और शिष्य बनो। मैं बताऊंगा, यही बात चल रहा था ना, गुरु बनाओ और शिष्य बनो। और देखिए पहला केस चलते हैं जिसमें बताया गया है कि बेटा बाप का हाथ पकड़े। अब दोनों जा रहे हैं, बरसात का समय है, वर्षा हुआ है, लकड़ी का पुल है, बड़ा पतला है। यदि बेटा बाप का हाथ पकड़ा है और पुल पर पैर फिसल गया तब क्या होगा? हाथ पकड़ लेगा बाप का, छूट जाएगा, पानी में गिर जाएगा। लेकिन यदि बाप बेटा का हाथ पकड़ा है और पैर फिसल भी गया तो बाप टांग लेगा तुरंत। तो किसका वोट ठीक रहा? हाँ, जब बाप बेटे का हाथ पकड़ा है वो ठीक है, वो ठीक है। बेटा बाप का हाथ पकड़ा वो ठीक नहीं है, बाप बेटे का हाथ पकड़ा है वो ठीक है। तो हम लोगों को गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु बनाने का मतलब होता है बेटा बाप का हाथ पकड़े। समझ गए ना?
बेटा बाप का हाथ पकड़े पैर फिसला था गया काम से, तो गुरु बनाओगे तो पैर फिसला था गया काम से, लेकिन शिष्य बन जाओगे तो शिष्य बनने का मतलब है अपना हाथ गुरु के हाथ में दे देना। कहीं फिसला के तो जाए चलो इधर का दिखाई नहीं पड़ता है, कथा सुन नहीं है तो मंदिर नहीं है तो कहां आजकल है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं गुरु बनाने का और शिष्य बनने का, कि लोग कहते हैं कि हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है, हमारे घर में टीवी है, हमारे घर में कुत्ता है, हमारे घर में गुरु भी है। बस यही भावना है, गुरु की तुलना है रेफ्रिजरेटर से, वो सजावट है घर के, फोटो टका टांग दिया गुरु जी का, बस उतना ही, जो करना है करो। सिद्धांत है हमें शिष्य बनना चाहिए। कर्पण दोषो उपहत स्वभाव पृच्छाम त्वाम धर्म समुद्रचेत यश्रयाम निश्चितान ब्रूहितन में शिशस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नः। अर्जुन कहते हैं शिशस्ते हम, मैं आपका शरणागत शिष्य बन रहा हूं, माम त्वाम प्रपन्नः, मैं आपका शरणागत शिष्य बन रहा हूं। ये माता जी डंडा लेकर के आ रही इधर, तो हमें शिष्य बनना चाहिए। नारद जी प्रहलाद महाराज के गुरु हैं, प्रहलाद जी उनके शिष्य हैं। नारद जी प्रहलाद जी को पकड़े हैं और वहां पर प्रहलाद जी क्रेडिट दे रहे हैं अपने गुरु को कि उनके कृपा से सब कुछ हुआ। लेकिन जो लोग गुरु बनाते हैं वो गुरु जी को क्रेडिट नहीं देंगे, वो कहें गुरु जी का अभी रोटी कपड़ा चल रहा है हमारे चलते, हम दक्षिणा देते हैं उनको, हम उनको पोषण करते हैं। यहां पर प्रहलाद जैसा कुछ नहीं कहे, बल्कि नारद जी को कही देते हैं कि मेरे गुरुदेव की कृपा से वह धन प्राप्त मैं किया जो कि कोई सोच भी नहीं सकता है। मेरे बाप के पास बहुत धन है लेकिन यह धन किसी काम का नहीं धन, क्योंकि हे प्रभु आप इन कोई व्यक्ति आपको इस धन से प्राप्त नहीं कर सकता है। जन्म ईश्वर जी भी ए धमाना अधापमान, ये संसार का जो जन्म उच्च कुल में जन्म ऐश्वर्य धन संपत्ति अपार धन संपत्ति, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी पढ़ाई लिखाई उच्च शिक्षा श्रुता श्री भी सौंदर्य ए धमान अधापमान, यह चार चीज ऐसा है जो व्यक्ति को अधम बना देता है, अहंकार हो जाता है। मैं ब्राह्मण हूं, उच्च कुल का जन्मा हुआ हूं, मैं बहुत धनवान हूं, गरीबों को भगवान की जरूरत है हमें क्या जरूरत है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, अधापमान व्यक्ति को अधम बना देता है। माता कुंती कहती है कि हे भगवान आप इन लोगों के द्वारा नहीं देखते हैं, तो हम अकिंचन गो करो, आप अकिंचनों के द्वारा देखे जा सकते हैं। तो जो भक्त होते हैं वो केवल कृष्ण को चाहते हैं, ये प्रमाण है प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज के पास सब कुछ था लेकिन कुछ भी नहीं चाहते थे, केवल भजन चाहते थे। और वही आगे प्रमाण कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी जब सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी अपने उद्गम को जानना चाहते थे, कमल नाल को पकड़ करके धीरे 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 अथाह समुद्र में गए कमल, पता लगाने के लिए मेरा उद्गम स्थान कहां है, कहीं ओर छोर पता नहीं चला। पुनः जब ब्रह्मा जी ऊपर आए, कमल पुष्प पर विराजमान हुए और जब तपस्या किए तब आपका दर्शन हुआ, यानी जब भजन किए तब, तो भजन ही एकमात्र वह साधन है जिससे कोई व्यक्ति खुश हो सकता है। और भगवान का भजन करना बिल्कुल आसान है, भगवान त्रिजुड़ी कहलाते हैं, भगवान कई एक प्रकार
नहीं वही बताया कि ब्रह्मा जी को सहयोग करने के लिए भगवान शुक्र का रूप धारण किए, भगवान मनुष्य का रूप धारण करते हैं, पशु का रूप धारण करते हैं, देवता का रूप धारण करते हैं, ऋषि का रूप धारण करते हैं, मत्स्य का, कच्छप का, इस प्रकार से विभिन्न रूप को धारण कर करके विभिन्न अलग अलग युगों में भगवान आते हैं, भगवान त्रिजुगी कहलाते हैं। और सब आने का मतलब क्या है? भगवान आते हैं ताकि उनका लीला कथा हम सब लोग सुन सके। ये भगवान का जो लीला कथा है वो पानी के समान है, चंपाकल में पानी डालने के समान। ये जो कथा हो रही है और कुछ नहीं, पानी डाला जा रहा है। देखिए हम लोगों का भगवान से प्रेम है, हम लोग भगवान के अंश हैं, लेकिन आज भगवान से हमारा संबंध मानो विच्छेदित हो चुका है। भक्ति क्या करता है, साधु लोग क्या करते हैं, उस संबंध को स्थापित करते हैं। मुझे एक कथानक याद आ रही है कि एक बार एक चोर था, उस चोर को मालूम चला, पता चला कि एक साधु महात्मा थे, उनके पास पारसमणि पत्थर था। आप जानते हैं पारसमणि पत्थर किसे कहते हैं? कितने लोग पारसमणि पत्थर देखे हैं? तो हाथ उठाओ तो देखे हैं, कोई देखा नहीं है? कितने नाम सुने हैं? हाथ उठाओ, नाम सबने सुना है पारसमणि पत्थर। उसका गुण पता है क्या है? पारसमणि पत्थर का गुण है कि लोहा से स्पर्श होने से वह सोना बना देता है। लोहा जब पारसमणि से स्पर्श होगा तो लोहा लोहा नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। तो इस चोर को मालूम हो गया कि महात्मा के पास पारसमणि पत्थर है। तो यह चोर महात्मा से पारसमणि पत्थर प्राप्त करना चाहता था। सोचा ये साधु महात्मा हैं, अन्य लोगों से कुछ चाहिए तो मार पीट कर मैं ले लेता हूं, ये साधु महात्मा को मारना अच्छा नहीं है। वो चोर भी इतना जानता था कि साधु महात्मा से अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो वह जा करके महात्मा जी का चेला बन गया, खूब सेवा महात्मा जी कर रहा था। बंगाली में एक कहावत है, अतुल भक्तिर चोरेर लक्षण, खूब सेवा करता था, खूब सेवा करता था। तो महात्मा जी समझ गए कि चोर आदमी है, कुछ गड़बड़ जरूर है, ज्यादा सेवा कर रहा है। महात्मा ने सोचा कि आखिर कारण क्या हो सकता है इसका इतना सेवा करने का। तो समझिए हमारे पास तो कुछ है नहीं, हो सकता है इसको पता चल गया हो उस पारसमणि के विषय में, और तो कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता है। तो कुछ समय के बाद महात्मा ने उस बालक को बुलाया, चोर को बुलाया, और कहा कि देखो बेटा, वो कोने में वो लोहे का संदूक पड़ा हुआ है ना, जाओ उसको उठाओ और उसमें पारसमणि पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर को तुम लेकर के आओ। तो अपना सिर खुजलाने लगा, करी गुरु जी कहते हैं कि लोहे, उस लोहे के बक्सा में पारसमणि पत्थर पड़ा हुआ है, यदि पारसमणि पत्थर लोहे के बक्सा में पड़ा हुआ है तो अब तक से वो लोहे का बक्सा सोना का क्यों नहीं हुआ? कहीं नकली पारसमणि तो उनके पास नहीं है? इस प्रकार से सोचने लगा, कहीं नकली पारसमणि नहीं है, हम व्यर्थ में अपना सब काम छोड़ करके यहां पर इनके यहां सेवा किया। गुरु जी समझ गए इसके मन में कुछ डाउट है। गुरु जी ने बोला बेटा चिंता मत करो, जाओ 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 लेकर के आओ। वो गया, वो बक्सा खोला तो कहा गुरु जी यहां तो पारसमणि पत्थर नहीं है बक्सा में। कहा बक्सा में कुछ है? तो उसने कहा कि हाँ गुरु जी कुछ है, कपड़ा में लपेटा हुआ है, कपड़ा में लपेटा हुआ है। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, लेकर के आओ, जो है वही लेकर के आओ। वो उठाया, गुरु जी ने कहा कि और तुम्हें कपड़ा निकालो उसमें से। वो कपड़ा निकालने लगा, पूरा कपड़ा निकाला तो पत्थर दिखाई पड़ा। गुरु ने कहा अब इसको तुम लोहे के बक्सा में रख दो।
और जो ही वो लोहे के बक्सा में पारस मणि पत्थर रखा कि एक सेकंड के अंदर वो लोहे का बक्सा क्या बन गया, सोने का बक्सा, सोने का बक्सा हो गया। तब गुरुजी उसको बुलाए। अब उस दिन से गुरुजी उसको पाठ पढ़ाना शुरू किए, कहे देखा बेटा इस पारस मणि पे वो शक्ति था कि यह पारस मणि पत्थर लोहे के बक्सा को सोना बना सकता था, लेकिन चूंकि कपड़ा में रैपिंग किया हुआ था इसीलिए इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ये इतने बच्चे कहां से आ गए, किसके बच्चे हैं, बाप माहिन के बच्चे लोग, माता पिता के पास जाओ, कोई वॉलंटियर बीच में जाए इन लोगों को साइड कराए। हाँ जी, क्या बात चल रही है, देखो जी इन्होंने अपना बच्चा ऐसे में रख दिया है, सब अपने बच्चों को अपने साथ रखो सब लोग। हाँ क्या बात चल रही थी, हाँ तो गुरु जी ने कहा कि देख बेटा ये पारस बड़ी पत्थर में वह शक्ति था कि लोहे के बक्स को लोहा को सामने का, लेकिन चूंकि कपड़ा में लपेटा हुआ था इसलिए इसका असर नहीं पड़ रहा था। ठीक वैसे ही हमारा संबंध भगवान से है, लेकिन आज हम लोग अपने को लपेट लिए हैं किसमें, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर्य, ये छह रैपिंग है, छह तहत लगा हुआ है जिससे कि भगवान और हमारे बीच में दूरी बन चुका है। तो गुरु का काम है बतलाना कि इसको हटाओ, इस रैपिंग को हटाओ। ये जो नाम जब हम लोग करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये लगता है सरल लेकिन है बड़ा पावरफुल है नाम जप। ये जो रैपिंग है काम क्रोध मोह मत्सर्य और लोभ का, ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। तो प्रहलाद जी यही कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी आपके कृपा से प्राप्त कर पाए, हम हमारी परिस्थिति या संसार के लोगों की परिस्थिति कैसी परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति है संसार के लोगों की जैसे एक व्यक्ति के पास कई एक पत्नियां हो और सब खींच रही है, सब अपने तरफ खींच रही है, उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। कई एक पत्नियां हैं, एक कह रहे इधर आओ, एक कह रहे इधर आओ, तो मर जाएगा वहीं पर। कहते संसार में हम सब लोगों की वही गति है, हम लोग कई एक पत्नियां हैं, आंख एक पत्नी है, आंख कह रहा है अच्छा चीज देखो, कान कह रहा है अच्छा चीज सुनो, नाक अच्छा गंध लो, जीवा अच्छा स्वाद लो, स्पर्श इंद्रिया जैनंद्रिया, हम लोग का दिमाग खराब हो रहा है इन्हीं के द्वारा। ये हमारी इंद्रियां जो है अनकंट्रोल जो सेंसेज हैं वे हमको परेशान कर रखी है। संसार में आज लोग परेशान हैं क्योंकि इंद्रियों का दास बन गए हैं, इंद्रियों का सेवक बन गए हैं, और इसीलिए लोग दुखी हैं, इस संसार में दुखी हैं। अब संसार के बहुत से श्लोक हैं, मैं सोचा था कहां कहां बात करूं। एवं स्वकर्म पतितं भवतरण्या अन्य जनमण आसन भीत भीतं पश्यन् जनम स्वपर विग्रह वैरमैत्यं हंत इति पारचरा पुपही मूढ़मद्ध। कहते हंत इति, हाय हाय
हंत इति पारचरः। लोग संसार सागर के इस मृत्यु के नदी में बह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बचाने वाला कोई नहीं है। अद्धा मतलब आज बैतरणी पार करने का कोई नहीं सोच रहा है। अंतिम परीक्षा है बैतरणी पार करना। जब बैतरणी पार करेंगे तब हम भगवत धाम को जा सकते हैं, नहीं तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में रह करके हमेशा दुखी रहेंगे। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, मानो भगवान का प्रार्थना करते हुए, कि मैं जानता हूं कि आप मुझे ले जाने के लिए आए हैं, आप चाहते हैं कि मैं चलूं आपके धाम। कहते हैं नैवो द्विजे परद्रत्य बैतरण्या तद्वीर गगायन महामृत मग्नचीता सोचे गतो विमुखचेत इन्द्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमुग्धा। प्रहलाद जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा ही भयावह है प्रभु, ये दुख का संसार है, लेकिन इस संसार के भय से, इस संसार के दुख से मैं थोड़ा भी भयभीत नहीं हूं। न एव उद्विजे, मैं उद्विग्न नहीं हूं, पर दुरत्या बैतरण्या, इस संसार को पार करना बड़ा कठिन है, यहां पर दुख ही दुख है, लेकिन इस दुख से मैं दुखी नहीं हूं। क्यों भाई, क्यों दुखी नहीं हो, सब लोग दुखी हैं, तुम क्यों दुखी नहीं हो? कहते हैं तवीर गायन महा अमृतमग्न चीता, क्योंकि मैं नित्य प्रतिदिन आपका गुणानुवाद करता रहता हूं। तवीर गायन, आपके वीर्य का, आपके जस का, आपके कार्यकलापों का मैं कीर्तन करने में ही महा अमृतमग्न चीता। ये भगवान का नाम, भगवान का कथा, ये सब महा अमृत है, आनंद का ये सागर है। भगवान का नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का यह कथा सुनना, भगवान का दर्शन करना, गीता भागवत का अध्ययन करना, ये सब है महा अमृत, ये महा अमृत है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि संसार के दुख से मैं दुखी नहीं हूं, संसार का दुख हमें थोड़ा भी दुख नहीं दे सकता है, उससे मैं भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मैं जहां भी रहता हूं केवल आपका गुणानुवाद करता रहता हूं, जो कि आनंद का सागर है। संसार में थोड़ा भी आनंद नहीं है, संसार मेरा आनंद है, लेकिन भगवान का स्वरूप ही आनंद है, वे सच्चिदानंद हैं। तो कहता मैं उसी में मग्न चित्त, मेरा चित्त, मेरा मन, मेरा दिल हमेशा लगा रहता है आपका गुणानुवाद करने में। लेकिन हे प्रभु, मैं अभी दुखी हूं तो मेरे दुख का एक ही कारण है। कहते हैं सोचेत तो विमुख चेत स इंद्रियार्था, अरे उन मूर्खों के विषय में मैं सोचता हूं जो आपका भोजन नहीं करते हैं और अपने इंद्रिय तृप्ति में अपना जीवन बिताते हैं, इंद्रियों को तृप्त करने में अपना जीवन बिताते हैं। कैसे? माया सुखाय, माया, माया का अर्थ होता है मां, मतलब नहीं है, और या मतलब जो दिखाई पड़े, जो दिखाई पड़ता है लेकिन है नहीं, वो कहलाता है माया। इस संसार में हम लोग सुख देख रहे हैं लेकिन सुख है नहीं, तो सुख का कल्पना करना क्या है? माया है। सुख है नहीं, आनंद चाहते हैं लेकिन आनंद है नहीं, इस संसार निरानंद है, और यही है माया।
माया सुखाय, माया सुखाय, क्षण भांगुर सुख के लिए भरम उद्बहतो अभिमुद्धा। मूर्ख लोग भरम बड़ा बड़ा जैसे गधा खूब ढोता है अपने पीठ पर, खूब सामान ढोता है, वो समझता है यदि मैं कठिन परिश्रम नहीं करूं तो हरा घास नहीं मिलेगा, वो मूर्ख है गधा। धोबी लोग क्या करते हैं, चाहे गधा पर बासमती चावल लाद दो चाहे चीनी लाद दो, गधा को उसमें से एक छटाक नहीं मिलने वाला है। हरा घास सब जगह है लेकिन गधा समझता है इतना कठिन परिश्रम नहीं करूंगा तो हमको हरा घास नहीं मिलेगा। हम लोग वैसे ही हैं, उस गधे के समान कठिन परिश्रम करते हैं। देखिए शास्त्र किसी का चपलूसी नहीं करता है, शास्त्र बिल्कुल सर्जन के समान है। आचार्यगण साधु महात्मा सर्जन के समान होते हैं। सर्जन लोग जो ऑपरेशन करते हैं तो चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनका बाप हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई हो, जब सर्जरी करना है तो करना है। वहां पर कहेंगे मेरी पत्नी है थोड़ा ऐसे नहीं काटू ऐसे काटू, नहीं चलेगा, सर्जन करना है करना है। तो यहां पर सर्जरी प्रहलाद जी कह रहे हैं, कहते हैं माया सुखाय भरम उद्बहतो अभिमुद्धा। उद्बहत वहन, वहन मतलब ढोना, जैसे वाहन होता है वहन। उद्बहत उत मतलब हमेशा, या कन्विंस हो गए हैं कि जब तक मैं भार नहीं ढोऊंगा तब तक से क्षणिक सुख नहीं, माया सुख क्षणिक सुख, चपल सुख लवला गिरे। एक आचार्य गोविंद दास कविराज कहते हैं, शीत आतप बात बरिषण ए दिन जामिनी जागिरे। शीत आतप, शीत मतलब जाड़ा, आत्मा मतलब गर्मी। शीत आतप बात बरिषण, आंधी तूफान चल रहा हो, वर्षा हो रहा है, शीत आतप बात बरिषण ए दिन जामिनी जागिरे। ये दिन रात हम जग करके कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं गद्दा के समान, ए दिन जामिनी जागिरे। किस लिए, विफल से रिनु कृपा दुर्जन चपल सुख लवला गिरे। चपल सुख के लिए, और यहां पर आया हुआ है माया सुखाय, माया सुख के लिए, क्षण भंगुर सुख के लिए, चपल सुख के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं। चपल सुख लवला गिरे। ए धन जौवन पुत्र परिजन इच्छे के आछे परती तीरे। आज तक मुझे कौन सुख दिया है, ये धन सुख दिया है हमको, ये जवानी सुख दिया हमको, ए पत्नी पुत्र परिवार सुख दिया, ए धन जौवन पुत्र परिजन इच्छे के आछे परती तीरे। इनका क्या विश्वास है, कोई हमें काम नहीं आएगा, क्यों, कमल दल जल जीवन ठलमल। कमल का पत्ता देखें आप लोग, देखिए है ना, कमल के पत्ते पर पानी डाल दो तो पानी ठलमला रहा है, कभी गिर सकता है नहीं, तो आप लोग देख लेना तालाब में कमल का पत्ता होगा उसमें पानी डालो वो कभी गिर सकता है। ठीक वैसे ही इस चोला में आत्मा ठलमला रहा है, कभी छोड़कर चला जाएगा और कोई हमको सहयोग नहीं करेगा। ए धन जौवन पुत्र परिजन इच्छे के आछे पर तीतरे, क्या विश्वास है, क्योंकि हम टेम्पररी हैं। कमल दल जल जीवन ठल मल भजाऊ हरि पद नीति रे। नित्य निरंतर भगवान का भजन करो, वही एकमात्र तरीका है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे थोड़ा भी दुख नहीं है, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, क्योंकि आपका गुणानुवाद करता रहता हूँ, आपका नाम गाता हूँ, आपका कथा सुनता हूँ,
लेकिन ये दुख है। तो इन संसारियों को के लिए जो कि क्षणभंगुर सुख के लिए मैं हमेशा उनके लिए सोचता हूं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में लौकर करके माया सुखायम भरम उद्वहतो विमुद्धा, ये विमुद्ध लोग हैं, एक मूर्ख होते हैं। मूर्ख वे होते हैं जिनको समझाने पर वो समझ जाते हैं। मूर्ख लोग समझाने पर समझ जाते हैं, लेकिन एक मूढ़ होते हैं, वो मूढ़ समझाने पर भी नहीं समझते, हमारे लिए नहीं है दूसरों के लिए है, ये मूढ़ होते हैं। और एक विमूढ़ होते हैं जो मूर्खों के दादा और मूढ़ों के बाप, समझ गया ना। एक मूर्ख हुआ, एक मूढ़ हुआ और एक विमूढ़ हुआ। यहां पर प्रहलाद जी कहते हैं माया सुखा या भरम उद्भवतो विमुद्धा, विमुद्ध। मैं परिभाषा देता हूं तीनों का परिभाषा यह है कि एक मूर्ख है जो समझाओ तो समझ जाएगा, एक मूढ़ है जो समझाओ तो भी नहीं समझेगा, और एक विमूढ़ है वो समझेगा यानी आपको समझाना शुरू कर देगा। प्रभुपाद जानते हैं चोर का, एक व्यक्ति है जो सुनता है कि भाई चोरी करना बड़ा खतरनाक चीज है, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, डंडा मारेगी, ये होगा, वो सोच कर कांपने लगता है और कान पकड़ता मैं चोरी नहीं करूंगा, तो ये मूर्ख है। एक चोर है, चलते हैं देखते हैं क्या होता है, चोरी करता है, पकड़ा जाता है, जेल जाता है, डंडा खाता है, बाहर आता है, कहता अब चोरी नहीं करूंगा। और तीसरा तो एक मूर्ख हुआ, एक मूढ़ हुआ और विमूढ़ जो नामी चोर होते हैं, जिसका नाम पुलिस स्टेशन पर लिखा जाता है, वो लोग कहते हैं इस बार थोड़ा असावधानी रहा इसलिए मैं पकड़ा गया, नेक्स्ट टाइम मैं ठीक से करूंगा तो नहीं पकड़ा जाऊंगा। ये हुए विमूढ़, सबको मूर्ख बनाने वाले विमूढ़ कहलाते हैं। एक कथानक में याद आती है, मैं कई एक बार बताया कि एक गांव था, उस गांव में मूर्ख लोग रहते थे, कुछ मूढ़ लोग रहते थे। एक दिन रात को, गर्मी का दिन था, प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं गांव में आया था, यानी धूल का रोड था, धूल वाला रोड था। तो एक दिन रात को एक हाथी उस गांव से गया, सब सुबह सुबह गांव वाले उठे लोटा में पानी लेकर के और दातुन लेकर के, अब देख रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उन्होंने देखा हाथी के पैर का बड़ा बड़ा छाप देखा, तो सोचने लगे अरे ये इतना बड़ा छाप किसका है, किस जानवर का है। गांव वाले एक हरिणी देखे थे, गांव में कुछ हरिणी थे, गाय बैल हरिणी नहीं थे, गाय बैल तो डोमेस्टिक एनिमल हैं, लेकिन हरिणी देखे थे, हाथी देखे नहीं थे। तो सब लोग दातुन करते, इतना बड़ा दातुन लेते, चुसते चुसते छोटा कर दिए। अब कितना दातुन किए हैं, तो हाथ रहो, अब सब लोग ब्रश करते हैं ना, पहले दातुन था। मैं इसलिए पूछता हूं कितने लोग आप जानते हो ना, तो फिर दातुन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बम करना पड़ेगा, दातुन क्या होता है, कैसा देखने में लगता है। जैसे एक अंधा था, वो बेचारा गरीब, बहुत बीमार हो गया था, कमजोर हो गया, तो डॉक्टर ने बोला कि तुम दूध पीना, तो आया अपने दोस्त से कहा, अरे भैया ये बताओ वो डॉक्टर बोला है हमको दूध पीने के लिए, ये दूध कैसा होता है रे। तो उसका दोस्त बोलता है कि दूध बगुले के समान उजला होता है। तो कहा बगुला कैसा होता है रे,
तो बताना शुरू किया, उसका सिर ऐसा टेढ़ा होता है, ऐसा होता है। तो कहा ऐसा होता है, अंधा ऐसे पकड़ा कार तो हमारे गला में डल गया, अभी बड़े हम भी नहीं पीएंगे आज के बाद में। तो अब दूध का एक्सप्लेनेशन बेचारा किया, तो ऐसे दातुन का एक्सप्लेनेशन गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पूछ लेता हूँ भाई कितने दातुन जानते हैं। हाँ जी, तो बात हो रहा था कि गांव वाले समझ नहीं पाए कि ये जो छाप है पैर का वो किसका है। तो गांव का मुखिया था, तो अपने नियम के अनुसार मूर्ख थे, मूड थे, और मुखिया जी कौन थे? बिमुड थे। तो वो आए, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तो सोचे कि इन मूर्खों को यदि मूर्ख नहीं बनाकर रखूंगा तो हमको कल वोट नहीं देंगे। तो मुखिया जी अपना बुद्धि लगाए, मगर बिमुड का परिभाषा है कि मूर्खों को मूर्ख बनाकर रखना बिमुड का काम है। मूर्ख को समझाओ समझ जाएंगे, बिमूड जो मूड होते हैं दो चार बार के बाद में एक्सपीरियंस कर करके, और बिमूड हैं वो कन्विंस करते हैं दूसरे को। तो मुखिया जी क्या कहते हैं, पैर में चक्की बांध के, ध्यान से सुनना, गांव वाले चक्की देखे थे ना, गेहूं पीसने वाला, आटा पीसने वाला चक्की, पैर में चक्की बांध के हरिणा दौड़ा रात। वो गांव में हरिणा देखे थे, तो कहा पैर में चक्की बांध के हरिणा दौड़ा रात। मुखिया का नाम था लाल बुझकड़, कहा लाल बुझकड़ बुझ गया और बुझे न बात, सब ताली पीना शुरू कर दिए। अरे आप लोग क्यों कर रहे हो, लो लो आप लोग ताली क्यों पीट रहे हो, आप मूर्ख हो गए आप जवान, आप लोग बुद्धिमान लोग ताली पीट रहे हो। तो मैं कह रहा हूं विमुख होता है वो मूर्खों को मूर्ख बनाता है। यहां पर प्रहलाद जी कहते हैं, माया सुखाय भरम उद्बहतो विमुद्धा। ये लोग महामूर्ख हैं, इतना दुख हो रहा है फिर भी सोचते कि मैं सुखी हो जाऊंगा, वो सुखी नहीं हुआ ना मैं सुखी हो जाऊंगा। प्रहलाद जी कहते हैं इसी के लिए हमें बड़ा दुख है। लेकिन हे भगवान, तो मानो नरसिंह भवन कहते हैं तो आप इसके लिए क्या चिंता भाव, साधु महात्मा लोग हैं प्रचार कर रहे हैं, चलो चलो आपका समय हो गया। नारद जी हैं आपके गुरु जी, बहुत लोग हैं, कहते हैं नहीं नहीं, प्राहीण देव मुनय सुमुक्त कामा मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा नैतान विहाय कृपणा मुच्छ एको शरणम भ्रमतो उपस्से। कहते प्राइण देव मुनय स्वयं मुक्त काम, हे भगवान आज प्रचार करने के लिए कोई नहीं है। जो मुनि लोग हैं साधु लोग हैं वो स्वार्थ बस स्वाभिमुक्त काम, वो अपना ही मुक्ति चाहते हैं, और अपना मुक्ति के लिए मौनम शरंति भी जने वो समाज में नहीं रहते हैं, समाज को छोड़कर के जंगल में चले जाते हैं अपना देखने के लिए। न परार्थ निष्ठा, उनका निष्ठा नहीं है दूसरों के कल्याण के लिए। तो जो व्यक्ति गांव गांव में जाकर के, शहरों शहरों में जाकर के, द्वार द्वार जाकर करके कृष्ण भक्ति का प्रचार करता है, वही परमार्थी है, वही कृष्ण का प्यारा भक्त है, जैसे प्रहलाद जी है। प्रहलाद जी कंडेम करते हैं उन लोगों को जो स्वार्थी हैं, जो अपने ही मुक्त होना चाहते हैं और किसी का चिंता नहीं करते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, नैतान विहाय कृपणा न एतान, न मतलब नहीं, एतान मन इन सब मूर्खों को विहाय मतलब छोड़ करके, कृपणा जो अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, मुक्त एको, मैं अकेला मुक्ति नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं सबके साथ में मुक्ति। लेकिन हे प्रभु मुझसे अकेला नहीं हो पाएगा, आपका कृपा चाहिए।
जब तक से आपका कृपा नहीं होगा प्रभु, तब तक से ये लोग भटकते रहेंगे, कोई और रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब इन विषयों का यहां पर उदाहरण देकर प्रहलाद जी कहते हैं, जो लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं उनका उदाहरण देकर कहते हैं, यन्मय थुनादि गृह गृह में दिसुखम ही तुच्छा कंडू यनेन करयोरिव दुख दुखम तृप्तं तिनेह कृपणा बहु दुख भाज कंडू तिवन्य मनसिज विषहे तधीरा। जैसे खुजली हो जाता है, दो प्रकार के लोग होते हैं, खुजली हो जाता है जरा के दिन में तो लोग खुजलाते हैं, खूब खुजलाते हैं, अच्छा लगता है खुजलाने पर, लेकिन बाद में वो खुजली जब फूट जाता है, उसका पस निकलता है तो और फैलता है और दुख होता है। लेकिन जो व्यक्ति खुजली को सहन कर लेता है, विषहेत धीरा, जो धीर व्यक्ति है, यदि वो खुजली को सहन कर लेगा तब उसका खुजली ठीक हो जाएगा। लेकिन खुजली हो गया और खुजलाते रहो तो बढ़ जाएगा। तो ये संसार का जो सुख है वो खुजली के समान है, आप खुजलाते रहो तो संसार बढ़ता जाएगा, और संसार के सुख को मान लो कि हमको जितना जरूरत है उतना ही रखो, ज्यादा मत बढ़ाओ, वही है संतोष। कहते हैं संतोषातम परमम सुखम, संतोषी से बढ़कर के और कोई सुखी नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान को बहुत से प्रार्थनाओं के द्वारा प्रहलाद जी प्रसन्न किए, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। और तब भगवान नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, प्रहलाद प्रहलाद भद्र भद्रंते प्रीतो हम देव असुरोत्तमम वरम विनिश्यामि वरम विष्णाभिमतम कामा पूरो। वरम विष्णु अभितमं काम पूरा अस्मि अहम निराम। कहते हैं हे प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। प्रीतो अहम, अब मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे इन प्रार्थनाओं से और तुम्हारे भक्ति से, तुम्हें बहुत प्रसन्न हूं। जो भी व्यक्ति मुझे प्रसन्न कर लेता है मैं उसके समस्त मनोकामना को पूर्ण करता हूं, यानी मेरे प्रसन्न होने पर कोई ऐसी मनोकामना नहीं है जो कि तुष्ट नहीं होती है। इसलिए हे भाग्यशाली प्रहलाद, बताओ तुम्हारी कौन सी कामना है, तुम क्या चाहते हो, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। भगवान एक तरह से प्रहलाद जी का को टेस्ट कर रहे थे कि प्रहलाद जी क्या चाहते हैं। लेकिन प्रहलाद जी छोटे बालक थे, लेकिन नारद जी के शिष्य थे, नारद जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। तो उन्होंने सोचा कि ये जो संसारिक वस्तुओं की कामना है वो भक्ति में बुलडोजर का काम करे, स्पीड ब्रेकर का काम करेगा, ये भक्ति में बाधक होगा, अवरोधक होगा। ये संसार की वस्तुएं भक्ति में बाधक है, भगवान संसार के नहीं है, भगवान दिव्य हैं, इसलिए दिव्य वस्तु ही भगवान की सेवा में। इसलिए प्रहलाद जी मुस्कुराए और भगवान से कहते हैं, भगवान आप मुझे प्रलोभन दे रहे हो, आप मुझे लालच दे रहे हो, प्रभु मैं नास्तिक परिवार में जन्मा, मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं, हमारे पिता के पास कितना धन दौलत था, पूरे स्वर्ग के राजा लोग इंद्र आदि
सब कांपते थे मेरे पिताजी से, सब लोग मेरे पिता के अनुरक्त थे, मेरे पिता के सेवक थे। प्रभु मैं बहुत भयभीत हूं, मैं अपने पिताजी को देखा कि इतना सब होने के बाद भी एक रात भी चैन से नहीं सो पाए मेरे पिताजी, कितने डिस्टर्ब थे। और जब से मैं पैदा हुआ तो कहना ही क्या है, जब से मैं आपका भगत बन गया उस दिन से उनका नींद हराम बिल्कुल हो गया। इसलिए हे प्रभु मैं इन सब को त्याग करके आपके चरणों में आया हूं, आपका शरण ग्रहण किया प्रभु इन सब को छोड़ करके, समस्त कामनाओं का बीज जो है जो हृदय में पड़ा हुआ है वह है संसार को भोगने की इच्छा। इसलिए हे प्रभु यह इच्छा हमें मत रहने दीजिए, आप तो बड़े दयालु शिक्षक के समान हैं। शिक्षक तो वही होता है जो शिष्य को या विद्यार्थी को अच्छा रास्ता दिखाता है। यदि आप सोचते हैं कि मैंने आपका सेवा किया है और आप मुझसे प्रसन्न हो गए हैं, यस्त आशीष आशस्ते न सौ भुक्तव सहवई बणिक, भगवान आप और हम व्यापारी नहीं हैं, ये तो व्यापारी लोग लेन देन करते हैं, मैं आपको खुश कर दिया तो आप हमसे खुश हो गए तो आप कोई बर देना चाहते हैं, ये तो व्यापार हो गया। ये हम पर ऐसा कृपा मत करें, मैं चाहता हूं कि हमारे हृदय में थोड़ा भी कोई कामना न रहे। कहते हैं यदि द्यास्यसी मे कामन बरांस्त्वं वरदर्शभ कामान हृदय संग्रोहे भवस्तु वृणे वृणे वरम। हे भगवान आप समस्त वरदानों को देने में सर्वश्रेष्ठ हैं, और यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरे हृदय में कोई कामना न रह पाए। भगवान से कुछ मांगना है, पहला नंबर तो हम लोगों को भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हम मांगना जानते ही नहीं हैं। हम वही मांगते हैं जो आज जरूरत है, काल तो देखे नहीं है, और कल का जरूरत होगा तो कैसे मांगेंगे। बच्चे को कहा जाए कि तू भगवान से मांगो कुछ तो वो मांगेगा वो क्रिकेट बॉल और वो क्या बोलते हैं बैट, यही मांगेगा। एक नौजवान से कहो तुम मांगो तो एक सुंदरी स्त्री मांगेगा जिसका विवाह नहीं हुआ है, जिसका विवाह हो गया है उसे कहेगा तुम मांगो तो धन दौलत मांगेगा। तो अलग अलग प्रकार से लोग मांगते हैं, हम लोग अपने कामना को नहीं जानते हैं। कभी कभी तो हम लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि मांगे क्या, एक साथ में कई कामनाएं हो जाती है और समझते नहीं कौन सा कामना पहले मैं कहूं भगवान से। एक कथानक मुझे याद आ रही है कि एक बार एक महात्मा किसी गृहस्थ के घर पर गए, माताजी लोग आप लोग बैठ जाओ, बीच में खड़ा मत हो कोई। एक गृहस्थ के घर पर कुछ महात्मा एक महात्मा गए, वह गृहस्थ महात्मा का अच्छा तरह से सेवा किया। जब महात्मा जा रहे थे तो महात्मा ने उससे कहा कि बेटा तुम कुछ वर मांगो, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, एक वर मांगो। वह बड़ा परेशान हो गया, उसे तीन चीज की जरूरत थी। उसका बाप अंधा था, बाप के लिए आंख चाहिए। वह बड़ा गरीब था, उसे कुछ धन चाहिए। उसे कोई संतान नहीं था तो एक बच्चा चाहिए। तीन चीज की जरूरत थी, लेकिन महात्मा ने कहा था मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा।
सोचा यदि परिवार के भरण पोषण करने के लिए धन मांगता हूं तो मेरी माँ दुखी हो जाएगी कि बाप का नहीं देखभाल, बाप से नहीं सोचा। पत्नी दुखी हो जाएगी कि संतान नहीं, संतान मांगता हूं तो मैं दुखी रहूंगा, माँ दुखी रहेगी। बाप के लिए आंख मांगता हूं तो पत्नी दुखी रहेगी, मैं दुखी रहूंगा। आखिर मैं मांगू क्या? एक ही चीज देना चाहते हैं। तब वो गृहस्थ बगल में एक महात्मा थे, उनके घर पर गया, बड़ी दोस्ती थी। उन महात्मा से कहा कि देखिए हमारे घर एक महात्मा आए हुए हैं, वो हमसे प्रसन्न होकर के एक वर देना चाहते हैं, लेकिन हमें तीन चीज की जरूरत है। मैं कौन सा मांगू, क्या करूं? तो महात्मा ने कहा है, बड़ा बात क्या है, ये तो बड़ा सिंपल चीज है। बिना कौमा दिए हुए, बिना फुल स्टॉप लगाए हुए जा करके महात्मा से कहो कि मेरे पिताजी सोने के थाली में खाते हुए एक नाती देखना चाहते हैं। बस सब मिल गया। मेरे पिताजी सोने के थाली में खाते हुए एक नाती देखना चाहते हैं। तुम्हें मिल गया कि नहीं? मेरे पिताजी देखना चाहते हैं तो आंख चाहिए, बिना कैसे देख सकते हैं? सोने का थाली, धन मिल गया और नाती मेरा बेटा हो गया। तुम्हें मिल गया ना? तो मैं कह रहा था कि कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मांगे क्या। इसीलिए भक्त लोग भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं। भगवान भूत भविष्य और वर्तमान तीनों जानते हैं। इसलिए भक्त लोग अपना दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ भगवान के पास छोड़ते हैं। प्रहलाद जी वही कहते हैं कि भगवान यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं, यदि दासी में कामान बरान तम बरदरी सभा, हे बरदर सभा, हे वरदान देने वाला सर्वश्रेष्ठ, यदि आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं, कामान हृदय सम सम औरोह कामा हृदय असमरोहन भवत तू बिणे वरम, यदि आप वर देना चाहते हैं ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कोई कामना न रहे, यानी निष्काम निष्काम भक्ति का वरदान प्रहलाद जी मांगे। यदि कामना किसी में हो जाती है, किसी चीज की कामना, तो कहते हैं वह कामना व्यक्ति को खत्म कर देती है। आज संसार में कामना, आज जितने लोग जेल में हैं, क्या समझते हैं अपनी इच्छा से जेल में गए हैं? कामना के चलते, कामना से कुछ गलत काम किए हैं। सबको कुछ का कुछ नीड है। कोई कहता है किसी के पास सब कुछ है, फिर उसकी आदत लग गई है, तो आदत लगना भी कामना है। कामना इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्म धृतिमति श्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। जिस व्यक्ति को जन्म काल से जिसे बहुत कामना होती है, उसके चलते वो सब कुछ नष्ट कर देता है, सत्य खत्म हो जाती है। इसलिए प्रहलाद जी यहां पर कामना ही कोई खत्म कर दिए, मुझे कामना नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए। तब नरसिंह भगवान बड़े खुश हुए और खुश होकर के प्रहलाद से कहे कि प्रहलाद मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम कुछ नहीं मांग रहे हो, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ दूं, और मैं देना चाहता हूं कि एक मनवंतर तक, एक मनवंतर तक तुम पूरे पृथ्वी का राज भोगो, यानी उनके पिता से भी कहीं ज्यादा, और लाइफ भी फिक्स हो गया एक मनवंतर तक, एक मनवंतर तक मरेंगे नहीं, और तुम्हें हमेशा मेरा स्मृति बना रहेगा,
प्रायः धन होने पर हम भूल जाते हैं भगवान को। दुख होता है तो भगवान को याद करते हैं, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। भगवान यहां पर यह भी गारंटी दे रहे हैं, एक तो धन का गारंटी दे रहे हैं, दूसरा आयु का गारंटी दे रहे हैं, और तीसरा अपने स्मृति का गारंटी दे रहे हैं। वाह, जय हो नृसिंह भगवान की जय। नहीं मांगने से कितना मिलता है, मांगने से क्या मिलेगा, इसलिए भगवान के पास जाकर मांगना नहीं चाहिए। हम लोग जाते हैं 10 रुपया भगवान को चढ़ाते हैं और 10 करोड़ मांगते हैं भगवान से, यही करते हैं ना। 4 लचीदाना चढ़ा देंगे, 2 आलू दे देंगे भगवान को, इतना मांग लेंगे। भगवान क्या मूर्ख है क्या, देखते नहीं भगवान? अरे व्यापार भी करना है तो बराबरी व्यापार करो ना। अबे डकैती तो हो गया ना, 10 रुपया देकर के 10 लाख मांगो, 10 करोड़ मांगो। भगवान समझते हैं हम ही सबसे ज्यादा मूर्ख हैं क्या? अरे यहां पर भी कोई नहीं देगा, भगवान क्यों देंगे? भगवान तौल कर देते हैं, कहते यथा माम प्रपदन्ते ताफजे भजामि हम, जो जितना मात्रा मेरे तरफ आता है मैं उतना ही तरफ आता हूं, बस तौल करके कंडीशनल। तो इसीलिए सब सेफ साइड है कि मांगो मत, मत मांगो। नहीं मांगोगे सब कुछ मिलेगा, मांगोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। और लेकिन हम लोगों का चमड़ा इतना मोटा हो गया, कितना कहो सुनो फिर यहां मंदिर जाएंगे, धन संपत्ति घर आएगा जल्दी सर, फिर मांगना शुरू करेंगे। वही करते हैं, क्या मांगने का, क्या भगवान नहीं जानते हैं क्या 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 चीज जरूरत है? जानते हैं। प्रहलाद नहीं मांगे, उसके बाप मांगे, क्या मांगे? लंबा जीवन, मरू नहीं, यहां नहीं मरू, ऐसे नहीं मरू, ऐसे नहीं मरना पड़ा। प्रहलाद नहीं मांगे, फिर भी कहते हैं एक मनवंतर तक। एक मनवंतर का बहुत दिन होता है, एक मनवंतर तक जीवित रहोगे और तुम्हें हमारा स्मरण बना रहेगा और पूरी पृथ्वी का, पूरे विश्व का राज तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद दिया प्रहलाद जी को। तो प्रहलाद जी फिर हां जो कहते हैं, हे प्रभु यदि आप देने के लिए ही तुले हुए, आप कुछ देना ही चाहते हैं, आप देना चाहते हैं, आपने ये दे दिया खैर, लेकिन मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, ये देना चाहते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। इसलिए मेरे पिताजी अनजान में बहुत अपराध किए, आपके चरणों में बहुत अपराध किए, मैं आपका भजन कर रहा था लेकिन वे नास्तिक होकर के आपको गाली गलौज किए, बहुत अपराध किए, आप कृपा करके मेरे पिताजी को क्षमा कर देना। ये है पुत्र का काम। पापी बाप था उसको भगवान ने कहा, अरे तुम्हारे बाप के विषय में तुम बात कर रहे हो, अपने पिताजी के विषय में बात कर रहे हो, अरे पिता का जो कहो तो तुम्हारे 21 पीढ़ी आगे और 21 पीढ़ी पीछे सबको मैं पवित्र कर दू, सबको मैं भेज दू धाम में अपने। इस प्रकार से प्रहलाद जी को संतावना दिए और तब सब देवता लोग आकर के देखे कि भगवान अब खुश हो गए हैं, तो ब्रह्मा जी सब आकर प्रार्थना करना शुरू किए, सब लोग प्रार्थना किए तो ब्रह्मा जी की तरफ भगवान देखे, ब्रह्मा जी प्रार्थना किए और कहे कि भगवान आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं, प्रहलाद पर आप कृपा करके आए, नहीं तो हिरण्यकश्यप के तलवार और प्रहलाद के गर्दन से बहुत कम फासला था, वो मारने ही वाला था लेकिन आप आकर रक्षा किए, तपस्या किया था इतना, अरे वो तो ऐसा वरदान मांग लिया था कि मैं स्वयं चकरा गया था क्या करूं, लेकिन मैं कह दिया था, आपने मेरा लाज रखा। तो भगवान ने कहा हां ब्रह्मा जी इस बार तो आपका लाज रख लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सोच विचार कर वरदान दीजिएगा, ऐसे ही मुफ्त वरदान सबको मत दे दो। और वही भगवान शिव थे, उनके तरफ भगवान देखे, नरसिंह भगवान कहे शिव जी आप भी उल्टा सुल्टा वरदान देते हो,
तो वरदान देने में थोड़ा सावधानी आप बरतिएगा। जैसे आजकल के प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर लोग कहते हैं ना कि भाई तो मंत्री लोग उल्टा सुल्टा मत बोल दो, परेशानी हो जाती है बाद में, मत बोला करो बोल के। तो भगवान वैसे ही कह रहे हैं, यही मंत्रिमंडल के लोग हैं ना भगवान शिव ब्रह्मा सब लोगों को, तो भगवान कह रहे हैं कि वरदान देने में थोड़ा सावधान रहिएगा, वरदान ऐसे न दीजिएगा, कृपा करके सोच विचार कर वरदान दीजिएगा। इतना कहने के बाद सबके द्वारा पूजित होकर के भगवान नरसिंह देव सबके समक्ष वहां पर अंतर ध्यान हो गए। तदुपरांत सब देवतागण, हाँ बल्कि भगवान आदेश दिए प्रहलाद जी को कि तुम अपने पिता का अंत्येष्टि क्रिया करो। तो प्रहलाद जी अपने पिता का अंत्येष्टि क्रिया किए, शुक्राचार्य इत्यादि आकर के प्रहलाद जी का राज्याभिषेक कराए और तदुपरांत सब देवता लोग अपने अपने धाम गए। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज का जीवन चरित्र आप लोगों को मैं संक्षिप्त में बतलाया। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Very fast, sir.